यार क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हो? यार, कैसे? आपको एक मोटर चाहिए जो कि नहीं चाहिए और छोटी होनी चाहिए, और ओके बड़ी लोगे तो जो हम करवा रहे हैं वो लेट होएगा, छोटी पे जल्दी हो जाएगा। हमें अच्छा एक विनेगर चाहिए, अच्छा ये ठीक है जी। ओके। फिर हम क्या रखते हैं, एसिटिक एसिड, एसिड, एसिटिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है, जिसको लिखते हैं हम CH3COOH, और ये एक एसिड होता है। और हमें एक ये बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग सोडा मीन्स खाने का सोडा है, इसको बोलते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक्चुअली क्या होता है, एक बेस होता है जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। हमें ये खाना नहीं चाहिए। हम बफीने जब डाल सकते हैं, जब हम छोले भटूरे बना रहे हो, फिर जो छोले बना रहे हो हाँ, या कोई जब, भी और चीज हमें बेकिंग बेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते और हैं। छोटे बच्चे नहीं करें क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई हाँ टीचर वगैरह, कोई बड़ा आदमी होना चाहिए परिवार का। ओके। एक बैलून चाहिए जो कि, और आपको एक चम्मच अच्छा, ये चाहिए बैलून है आपने क्यों लिया? ताकि हम गैस को, क्योंकि जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको स्टोर करने के लिए हमने बैलून लिया है। CO2 जो गैस है वो बैलून में स्टोर हो जाए, फिर तो मैं बोतल में भी स्टोर कर सकता है। क्योंकि बोतल में स्टोर करता आपको दिखता नहीं, बैलून में स्टोर करता आपको दिखता है। अच्छा, हमें हमें विनेगर, अब हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया जो बैलून है, और बोतल में विनेगर डाल दिया। चलो अब हमने इसमें बोतल में थोड़ा सा विनेगर और बैलून में सोडा, भी फिर हमें बोतल में डालना थोड़ा थोड़ा। करके दूर। ये देखो कैसे स्टोर हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे गैस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना।